परिश्रम करना है, इसके लिए हमें प्रदेश के एक एक कोने को विकसित करना है, एक एक कोने को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तभी हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। हमें अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, रखना होगा, और वो जो मुख्य लक्ष्य है उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। आप सभी के सहयोग और समर्थन से सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का जो महायज्ञ हमने शुरू किया है, वो माता पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, शारदा मैया के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल होगा। भाइयों बहनों, मैंने मुख्य सेवक के रूप में अपने प्रत्येक क्षण को इस कार्य को, एक एक पल को उत्तराखंड राज्य की जनसेवा में, जन कल्याण में और सुशासन के लिए समर्पित किया है, और मैं आगे भी आपकी सेवा के लिए, उत्तराखंड राज्य की सेवा के लिए इसी प्रकार तत्पर रहूंगा। हमारा लक्ष्य भी अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लक्ष्य अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, उसको चरितार्थ करना है। हमारा प्रण भी अंत्योदय है, प्रण भी अंत्योदय है, और हमारा पद भी अंत्योदय है, और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे, हमारे कदम थमेंगे भी नहीं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। लगातार सतत रूप से नई योजनाओं को बनाने का काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि लोगों को काम करना है, हर किसी को समर्पण भाव से अपनी सेवा देना है। जो हमने अधिकारियों से भी अभी 3 दिन का जो हमने चिंतन शिविर किया था, उस चिंतन शिविर में भी सभी अधिकारियों से हमने कहा है कि 10 से लेकर 5 बजे तक की जो कार्य संस्कृति है, ये कार्य संस्कृति बदलनी होगी। अपने आप को जनसेवा के लिए समर्पित करना होगा। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी योजनाएं देश के अंदर लागू की हैं, वो सारी की सारी योजनाएं